हे गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो हम लोग अभी सो के उठे हैं. कल रात को बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग, बहुत ही ज्यादा एकदम सो के हम लोग बेहोश हो गए ना. इतना काम था कि हम लोग एकदम सो गए. अभी थोड़ा सा उठते हैं दोस्तों, चलते हैं, थोड़ा कॉफी भी पीते हैं यार. फिर उसके बाद फ्रेश होंगे हम लोग, फिर हम लोग घूमेंगे जयपुर ना, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे आज. और जयपुर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ का क्या सीन है. और ये सूर्य देवता एकदम निकले हुए हैं चेहरे पे, दिख रहे हैं एकदम. और यार व्यू देखो क्या प्यारा लगता है व्यू. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लोकेशन. आप देख सकते हो सुबह सुबह उठ के ये देखने में बहुत मजा आता है भाई. तो चलिए दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा कॉफी भी पीते हैं. आइए तो दिखाता हूँ, कॉफी बनाता हूँ मैं. चलिए. तो गाइस ये है बनाने वाला. अब इसमें डालते हैं 2 कप पानी, डालते हैं थोड़ा. एक खुल जा. हाँ खुल गया खुल गया. तो इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा दोस्तों, सिर्फ आधा ही डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा कल मैंने कॉफ़ी बनाई थी वो ख़राब हो गया था. तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे. और क्या चाहिए मेरे को, कल ये ख़त्म हो गया था दोस्तों. तो आज हम लोग लाए हैं, हम लोगों ने बोला था उससे रिसेप्शन पे कि सर पहुंचा दीजिए ऊपर. तो अभी मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, देखिए आप. कॉफ़ी बनाते हैं. ये है खोरने के लिए, निकाले. ओके पहले कप धो लेते हैं दोस्तों, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं रहा घर से. एक तो ऑलरेडी मुझे इन्फेक्शन हुआ है सर्दी का, फिर क्या था उसको. रेडी फॉर कॉफी. गाइस कल से मेरे आँख से पता नहीं क्यों पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, क्या करूँ. ये हो गया बराबर बराबर कॉफी. ये कॉफी गरम गरम दिखाता हूँ मैं. ये है कॉफी जो मैंने बनाई है, आइए पीते हैं. Thank you.
बैठेंगे पलंग पे। ये है मेरा फेवरेट प्लेस, तो लो बैठ के पीते हैं कॉफी। थोड़ा सा और बॉईल कर देते, कॉफी तो अच्छा रहता। बॉयल किए थे तो उबलने लगा था। तो दोस्तों हम लोग अभी जयपुर में और हैं अभी डबल ट्री होटल में। तो बस हम लोग जा रहे हैं जयपुर को थोड़ा सा घूमने, यहाँ डिस्कवर करने, देखते हैं यहाँ क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं, बस यहाँ से निकलेंगे। चलिए चलते हैं होटल से बाहर, फिर चलते हैं बाहर, आपको दिखाता हूँ अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे क्या क्या है घूमने की जगह। जितना हो सके उतना मैं वीडियो में कवर करूंगा, और अगर नहीं हो पाएगा दोस्तों तो उसके लिए सॉरी। तो आइए चलते चलते आगे। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा डेली न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बाहर, दरवाजे को ओपन करते हैं। चलिए बाहर, तो फाइनली हम लोग बाहर आ गए। ये है हम लोग का हॉलवे, और ये है हम लोग का रूम नंबर 621। चलिए चलते हैं बाहर, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें। तो दोस्तों यार हम लोग कल संगीत में थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने हमने सोचा कि घूमने का दूसरा रैंडम व्लॉग बनाते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। हाँ, हम लोग बनारस में तो बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आज हम लोग अब जाना है जयपुर में, तो जयपुर के बारे में भी घूमते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे अच्छी चीज़ें। और हाँ, जो दोस्तों मेरे अगर जयपुर घूमे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो ये रहा दोस्तों दिन का सीन, आप देख सकते हो क्या प्यारा लग रहा है यार, वाह। चलिए चलते हैं लिफ्ट में, फिर बाहर चलते हैं। ये अपना टाइम आएगा, तो नंगा ही तो आएगा, अंडा लेके जाएगा। फाइनली हम लिफ्ट से आ गए नीचे, उधर जाना इधर उधर, तो आइए चलते हैं बाहर। ये है हमारा रिसेप्शन, तो बाहर चलते हैं दोस्तों। तो आप मौसम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का बहुत ही खतरनाक मौसम है, और धूप में जाने का तो मन नहीं कर रहा होगा एकदम। भाइयों हम लोग हैं अभी जयपुर में, और आप जान ही रहे हो जयपुर राजस्थान में आता है, तो आप जान सकते हो यहाँ पर कितनी गर्मी होती है, और हालत टाइट है, लेकिन तब भी हम लोग घूमेंगे। हम लोग तय करके आए हैं कि हम लोग घूमेंगे, तो आइए चलते हैं देखते हैं। धूप में निकले हैं दो यार काले होने के लिए। हाँ, तो ये है लोकेशन दोस्तों हमारे होटल्स के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये है डबल ट्री होटल जहाँ हम लोग रुके हैं। तो फाइनली आज हम लोग कल आए हैं जयपुर, और आज हम लोग दूसरे दिन घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों यार हम लोग यार कार से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कार वाला थोड़ा लेट कर रहा था और हम लोगों को लेट भी हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एसी वाले बस में जाते हैं। यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के घूमेंगे, क्योंकि ऑटो का फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम लोग हर जगह रुकवा के उसको मस्ती करेंगे और उससे हर चीज़ पूछेंगे और घूमेंगे। गाइस देखिए आप, ये देखिए दोस्तों दुश्मन वाला था, ये अचानक लस्सी वाला है। क्या क्या दुकान है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम लोग बस से उतर गए यार, और हम लोग आ गए हैं
हवा महल के पास। आइए मैं दिखाता हूँ आपको हवा महल कैसा है। तो बहुत धूप है भाई, लेकिन तब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये है मार्केट हावड़ा महल के पास, देख सकते हो दोस्तों। यही चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हवा महल के पास, और ये हवा महल का कुछ सीन। यही चलते हैं, देखते हैं अंदर, जाने देते हैं कि नहीं। गाइस हम लोग हैं हवा महल में, और ये है पीछे हवा महल, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ये जस्ट मेरे पीछे हवा महल, देखिए दिख रहा होगा आपको। तो यही है दोस्तों हवा महल, आप देखिए। अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है भाइयों, हम लोगों ने यहीं से वीडियो बना ली फोटो के लिए। और ये जस्ट उसके बगल में कुछ दुकान है, मार्केट है यहाँ का। यार बहुत तेज भूख लगाया, सुबह कुछ खाने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं। तो ये है दोस्तों, बहुत तेज भूख लगाया यार। गाइस अंकल जी बना रहे हैं, यहाँ का फेमस डिश है। हाँ डाल दीजिए सब, देखें एक बार ट्राई करते हैं कैसा है। तो इन्होंने कढ़ी नहीं लिया था, अब जब दोबारा पिया तो कह रहे हैं और दो। तो यही सब देख रहे हैं दोस्तों। और हम लोग का आदत है जहाँ टेस्ट करते हैं, जैसा भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इटली आज अपने शहर बनारस की पूरी कचौड़ी बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। सही नहीं, अपने बनारस की पूरी कचौड़ी बहुत याद आ रही है दोस्तों। लेकिन ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आइए खाते हैं, फिर उसके बाद कहीं चलते हैं घूमने। अभी चलते हैं जंतर मंतर, वहाँ भी है घूमने की जगह, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। और यहाँ पे तो गाइस यार मैंने सोचा यार कि अपने लिए चश्मे भी ले लूँ, तो ये मैंने ट्राई किया, देखते कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं। और हाँ ठीक है। तो ये है दोस्तों जंतर मंतर, अभी हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है यार। वाह गाइस ये देख सकते हो आप, ढेर सारे पक्षी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गाइस मेरे पीछे देख सकते हो आप, ढेर सारे पक्षी हैं, कबूतर उड़ने वाले। तो गाइस आप देख सकते हो जो हम लोगों को चाह रहा था वो मिल गया, राजस्थान का लुक सिग्नेचर। अरे जंतर मंतर कहाँ है, हम लोग जंतर मंतर के चक्कर में जर गए एकदम। क्या नाम था दुकान का? कल्लू चाचा। इन्होंने भैया बताएंगे विस्तार में, फोल्ड करके और अपने पकड़ में डाल सकते हैं। कल्लू चाचा चप्पल की जूती आती है 25 ग्राम की, उसको फोल्ड करके अपने पकड़ में डाल सकते हो। ऐसी जूती बनाई थी उन्होंने, मतलब एक तरीके से पेपर की तरह। हाँ पेपर जैसे रोल करके आप डाल सकते हो। दूसरा इन्होंने बनाया था मैग्नेट शूज, कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है किसी के पैरों में घुटनों में या किसी को डायबिटीज है तो उनके जूता पर ऐसे गारंटी फायदे लगता है, इसीलिए इनको बनाया जाता है। ये कल्लू चाचा जो थे इन्होंने एक कैमल की शूज़ बनाई थी, जिसको आप पेपर कागज़ की तरह फोल्ड करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। उस ज़माने में आज से कितने साल पहले भाई? आज से पहले 200 साल पहले की बात है जयपुर। तो हम लोग अंदर वीडियो शूट करने नहीं दिया गया, तो इसीलिए है मैंने ऐसे बाहर से शूट कर लिया दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। सो गाइस हम लोग आ गए जल महल के पास, आइए चलते हैं उधर, उस पट्टी में जल महल है, चलिए चलते देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस हम लोग आ गए जल महल के पास, और भाई एक ऑटो वाला यार मिल गया, उसने यार बहुत ही अच्छा गाइड कर रहा है हम लोगों को। तो हम लोग हर जगह गाड़ी रुकवा के अच्छे अच्छे लोकेशन पे रुक के देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे, ये सामने मेरे जल महल देखिए।
ये सो पीस जैसे शेड जी है तो गाइस हमारे ठीक पीछे है जलमहल, आप देख सकते हो ये है पीछे जलमहल। तो यार दिन में तो यहाँ का कुछ अलग ही सीन है, लेकिन यार शाम के समय यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम लोगों ने दिन में वीडियो कवर किया उसको। तो गाइस इतना ही मैं दिखा देता हूँ क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है भाई, आप समझ सकते हो। और हम लोग हैं जान रहे राजस्थान के कैपिटल में जयपुर, तो अब यहाँ का गर्मी समझ ही सकते हो, एकदम ताफड़ छोड़ गर्मी है, तब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए अब दूसरे लोकेशन में चलते हैं। तो हाँ, जो कि पानी का घर बना हुआ है जी, और उस जमाने में क्या होता था कि एयरकंडीशन वगैरह नहीं होता जी, उस टाइम पर इसको बनाया गया पानी मिलता ताकि कूलिंग के लिए। तो जल महल दोस्तों इसलिए बनाया गया था क्योंकि आज के पहले ज़माने में लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए मतलब नेचुरल हवा और मतलब बॉडी को रिफ्रेश और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये जल महल बनाया गया था। राजा महाराजा ने उन्होंने बनवाया था। वो इवनिंग में शाम को यहाँ पर आते थे, बैठते थे और बातचीत करते थे अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो ऐसे ही कुछ सीन था यहाँ पे आज से 400 साल पहले। सर आपको कैसा लगा जल महल घूम के? तो मतलब इस झील को जो बनाया गया होगा तो उनके मतलब मजदूरों ने बनाया होगा ना आर्टिफिशियल, आज से 400 साल पहले। आप वो देख सकते हो, वो है जेदरकोट। वो वहाँ पे सबसे विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जिसका रास्ता ये है रूट, ये जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो इस रास्ते को पहाड़ से काट के बनाया गया है, इसी रास्ते से वो तोप जाती है, इसलिए इस रास्ते को ऐसा बनाया गया है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे अमरकोट, ये है पीछे जस्ट भाई। यार गजब लोकेशन है यहाँ पर। और मैं एक चीज आपको दिखा रही है, ये आमेर कोट दोस्तों, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग यही हुई है गाइस, आप देख सकते हो। और ये है झील। तो ये है दोस्तों आमेर कोट का यार जाने का रास्ता, ऊपर देखिए भाई कितना सुंदर है यार, अब देख सकते हो गाइस बहुत ही सुंदर है। हम लोग हैं अभी हाईवे पे। अच्छा मतलब वीर मूवी के शूटिंग में ये दीवार गिर गई थी आगे की पब्लिक की वजह से, उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रहे थे गाइस, तो क्राउड की वजह से वो दीवार आप देख सकते हो, दिखा रहा हूँ मैं, ये दीवार जो है वो गिर गई थी वीर मूवी की शूटिंग, ये सलमान खान की मूवी थी उसी समय। तो गाइज यार बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे धूप में घूम के, तो मैंने सोचा यार एक स्टिंग ले लूँ पीने के लिए, एनर्जी के लिए। तो अभी मैं इसको पीऊँगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था मुझे। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन तब भी मैं घूम रहा हूँ क्योंकि आया हूँ भाई तो घूमूंगा ही, फिर दोबारा मौका थोड़ी ना मिलेगा। चलिए स्टिंग पीते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए। ये भाई लोग, भाई ने बहुत मदद किया हम लोग, मैं बोलता हूँ ये स्माइल तेज बहुत बार से मैंने पूछा, बहुत लोगों से मैंने पूछा कि भाई चलना है, ऐसे चलना है, ये घुमाना है, बताना है। तो वो बोलते थे कि मैं इतना लूँगा ऐसा था, ये अपना भाई मिले स्माइल नाम है, फाइनली भाई को मैं मिल गया और सस्ते में घुमा दिया। अच्छा ठीक है, सस्ते में घुमा दिया, लेकिन स्माइल नाम है, स्माइल साइड में बात किया इनकी, स्माइल पर हम दोनों फिदा हो गए। और बनारस आइएगा तो मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं होटल में।